दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान के आखिरी दिन गुरुवार को सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस भी बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी के प्रचार के लिए राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे और रोड शो में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार और राहुल गांधी पर तंज कसा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने नॉर्थ ईस्ट सीट से उम्मीदवार मनोज तिवारी के लिए प्रचार करते हुए राजधानी की सभी सातों सीटों पर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली बीजेपी के साथ है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, दिल्ली बीजेपी के साथ है, दिल्ली नरेंद्र मोदी जी के साथ है, हम सभी सात सीटें जीतेंगे और मनोज तिवारी रिकॉर्ड मतों से चुने जाएंगे। कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के सवाल पर उन्होंने कहा, ये लड़ाई देशभक्त मनोज तिवारी बनाम भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले कन्हैया कुमार की लड़ाई है, दिल्ली देशभक्तों के साथ खड़ी ही है। दिल्ली में प्रचार अभियान के दौरान बीजेपी के 400 पार नारे के सवाल पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, बीजेपी के 400 पार का नारा ये सारा पूरा होगा। हर फेज के चुनाव में बीजेपी और एनडीए को बढ़त मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सवाल पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी को न देश समझता है और न ही मिलिट्री समझती है, देश को किस प्रकार से लीड किया जाता है ये भी समझ नहीं है। बता दें कि दिल्ली में सभी सातों सीटों पर 25 मई को चुनाव होना है। छठे चरण के लिए गुरुवार को प्रचार का आखिरी दिन है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, वही बीजेपी सभी सातों सीटों पर चुनाव लड़ रही है। नॉर्थ ईस्ट सीट से बीजेपी ने मनोज तिवारी पर फिर से भरोसा जताया है, वही इस सीट पर कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाया है।